पानी में मत खेलो, भीग जाओगे। और बाहर ना बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो लोग कुछ ना उसी को एंजॉय कर रहे हैं। और हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे खुरमे और मठरी, जिसके लिए हमने मैदा 3 बड़े स्पून भर के मैदा ले लिया हुआ है, और इसको छन्नी से अच्छे से हम छान लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे डालडा, मोहन के लिए डालडा, जिससे बहुत खस्ता बनते हैं। तो हमने इसमें 2 चम्मच भर के इसमें डालडा डाल दिया है। फिर हाथ से रगड़ के ना इसमें डाल देंगे अजवाइन। फिर इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच, 1 चम्मच ये और आधी चम्मच और ये, 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक। फिर इसको हाथ से अच्छे से हम मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे कि इसको हाथ से जब लड्डू बनाए ना तो ऐसा लड्डू बनना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें मोहन अच्छे से पड़ा है। फिर इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ना ये जो खुरमे बनते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट नहीं बनाना है, टाइट डो बनाना है, क्योंकि हम इसको फिर रेस्ट के लिए रखेंगे ना 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए, तो ये अपने आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। एक टाइट डो बना के इसको तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा डो तैयार हो गया है। ये डो हमारा देखिए टाइट है, ये सॉफ्ट नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, गीले कपड़े से ढक के रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए आप रेस्ट होने के लिए इसको रख दीजिए। हमारा मैदा अच्छे से सेट हो चुका है, सारा इंग्रेडिएंट इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, और फिर क्या करेंगे ना इसकी लोई काट लेंगे। और ये लोई हमारी तैयार हो चुकी है। अब सारी लोई को ना हम स्लैब में बेल लेते हैं, स्लैब में अच्छा सा हमको स्पेस मिल जाता है। तो इसमें मोवन पड़ा है ना, तो इसमें बर्तन लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ना बहुत अच्छे से बेल जाएंगे। और इसको ना चारों साइड से गोल गोल करके ना अच्छे से हर एक कॉर्नर पे अच्छे से इसको बेल के एक बढ़िया सी लोई तैयार कर लेंगे। और इसकी जो लोई होगी ना वो ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं, ऐसी होनी चाहिए जैसे रोटी होती है ना, तो बस रोटी से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। बस इसकी रोटी की जो मोटाई होगी ना वो थिकनेस ऐसी होगी, देखिए इस तरह जैसे रोटी होती ना, उससे बिल्कुल हल्की सी मोटी होनी चाहिए। और बस फिर इसके ना पीसेस कर लेंगे अपना, पहले इसको लंबाई में कट कर लेंगे, और जब ये हमारे पूरे अच्छे से लंबाई में कट हो जाएंगे फिर इनको हम कट कर लेंगे चौड़ाई में, बिल्कुल जैसे बर्फ़ी की कटिंग करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। अब ये लंबाई में कट गए हैं, अब हम इनको कर लेंगे हमारा स्लैंटिंग, एक स्लैंटिंग लाइन में बर्फ़ी के पीस से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे सारे खुरमे कट गए हैं। फिर
और फिर इस तरह का जो स्पैचुला होता है ना, इससे हम सारे खुरमे उठा उठा के एक थाली में इकट्ठे कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, ये इतना पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, बड़ी आसानी से सारे खुरमे उठ जाते हैं, ये देखिए। और खुरमे की शेप भी बिल्कुल नहीं ख़राब होती है। तो देखिए कितने ईजिली इससे ना सारे खुरमे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सारे खुरमे हमने काट लिए हुए हैं, और ये दो लोई मेरी बची हुई हैं, इनके हम बना लेंगे मठरी। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉक से ना पूरी रोटी में अच्छे से हम इसमें प्रिक कर लेंगे, ताकि जब ये हम इसको सेके ना तो ये फूले ना, बलून की तरह फूले ना। तो इसको हम ना फॉक से प्रिक कर लेंगे, और प्रिक करने के बाद फिर इसको चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा काट लेंगे, बड़े बड़े पीसेस में, जैसे बर्फी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं। इसको आप सर्कुलर किसी गोल से ना, गोल शेप भी दे सकते हो, बट ऐसे चौड़ाई में काटने में ना, बर्फी की शेप में काटने में हमारा टाइम ही बच जाता है। तो हम इसको ऐसे कट करके रख लेंगे, और फिर हमारे जितने भी खुरमे मट रही हैं इनको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और फिर क्या करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें रिफाइंड डालेंगे, रिफाइंड अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए इसमें एक खुरमा डालेंगे, और जैसे ही खुरमा तैर के ऊपर आ जाएगा, मतलब कि तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने थोड़े थोड़े करके खुरमे डाल देंगे। अब चूंकि इसमें मोवन पड़ा हुआ है ना, तो इसमें ना खुरमे आराम से अपने आप सारे खुरमे अलग हो जाएंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे, हल्के हल्के कंछुली से इसको चला लेंगे, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे मेरे खुरमे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, गैस को सिम कर देंगे और अपने सारे खुरमे हम निकाल लेंगे। और हमारे सारे मठरी और खुरमे सिक्के तैयार हो गए हैं। और अब हम बनाने जा रहे हैं बेसन के सेब। तो इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच, 2, 3 बड़ा चम्मच भर के बेसन निकाल लिया है। इसको अच्छे से छान लेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन हाथ से रगड़ के, और फिर हम इसमें डाल देंगे हींग, क्योंकि बेसन में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और फिर डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, और फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें खाने वाला मीठा सोडा, जो खाने वाला होता है। इससे ना ये बहुत ही खस्ता और मुलायम बहुत अच्छे सेव बनते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। अब इसमें 1 चम्मच के आसपास इसमें डाल देंगे नमक, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इसका डो तैयार कर लेंगे, एक टाइप डो। इसको अच्छे से धीमे धीमे करके ना पूरा डो तैयार कर लीजिए, पानी एक साथ मत डालिए, क्योंकि बेसन ना थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक टाइप डो तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह का डो। और फिर इसको क्या करेंगे, जब डो तैयार हो जाएगा फिर इसको गीले कपड़े से ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। ढक के रखने से क्या होता है, जो हमारा आटा होता है, बेसन होता है, अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर हम क्या करेंगे, बेसन सेट हो रहा है तो ये मोटे छेद वाली जो जाली है मशीन में फिट करके अपनी मशीन तैयार कर लेते हैं। और इसको इस तरह से फिट हमने कर लिया है, इधर हमारा बेसन भी अच्छे से सेट हो गया है, देखिए कितना मुलायम हो गया है। इसको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, और मसलने के बाद क्या करेंगे, इसके लंबे लंबे लोई बना लेंगे, हाथ में पानी लगा लेंगे, और पानी लगा के ना इसको लंबा लंबा करके मशीन में डाल देंगे। पानी लगाने से क्या होता है, जब हम इस बेसन के सेब जब तेल में चुआएंगे ना, निकालेंगे, तो ये बड़े आराम से निकलेंगे, बिल्कुल भी टाइट फील नहीं होगा। और मशीन में जितनी भी स्पेस है ना, तो उसमें पानी लगा के हल्का हल्का बेसन को उसमें डाल देंगे, और फिर इसका ढक्कन जो है ना मशीन का, उसको ऐसे फिट करके बंद कर देंगे। और ये अच्छे से फिट हो गया है, तेल एकदम गर्म होना चाहिए। गर्म तेल में इसको ऐसे गोल गोल करके ऐसे गिरा लेंगे, चुआ लेंगे, और कितने आराम से पानी लगाया था, तो इतना स्मूथली गिर रहा है ना कि हमको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और जब सेब को ऐसे तेल में डालेंगे ना, तो खूब सारे झाग निकलेंगे। गैस की फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए, बिल्कुल भी मीडियम लो नहीं होनी चाहिए, एकदम हाई फ्लेम है। और जब डालेंगे तो इसमें खूब सारा झाग निकलेगा, और जब ये पकने लगेगा ना, तो धीमे धीमे अपने आप झाग ख़त्म हो जाएगा।
यहाँ पे झाग ख़त्म हो गया है। जैसे ही झाग ख़त्म हो जाए आप इसको टर्न कर लीजिए, पलट लीजिए और दूसरी तरफ जैसे ही डालेंगे, क्योंकि दूसरी साइड कच्ची है तो फिर से झाग होगा और झाग जैसे ही अपने आप ठंडा हो जाएगा तो आप जान जाइएगा कि ये पक चुके हैं सेब। और फिर इसको निकाल लेंगे, ये देखिए इसका झाग ख़त्म हो गया है, ये अच्छे से सेब पक गए हैं। अब हम इसको चिमटे की हेल्प से निकाल लेते हैं। ऐसे ही करके हम अपने सारे सेब को एक एक करके जितना स्पेस होता है ना कढ़ाई में, अच्छे से तेल में डूबे होने चाहिए, उनको गिरा लेंगे और इनको अच्छे से सेक लेंगे और सेक के एक थाली में निकाल लेंगे। ये मेरी बेसन की सेव बनके तैयार हो गई है। ये हींग वाले बेसन के सेव हैं, ऐसे ही बिल्कुल बनते हैं लहसुनिया सेव बेसन के, लहसुन फ्लेवर के, तो वो फिर हम कभी दोबारा बनाएंगे फिर दिखाएंगे। पर आज हमने बनाए हैं ये हींग वाले सेव और ये भी बहुत गर्म है, ये भी जैसे ही ठंडे हो जाएंगे तो बस इसको हाथ से ऐसे कस के तोड़ लेंगे। तो आज का मेरा नाश्ता, अब ये शाम का नाश्ता मेरा तैयार हो गया है और इधर खुरमे भी मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने खुसखुसे बने, कितने क्रंची हैं। इसमें हमने डालडा का मोहन डाला था तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे सेब भी ठंडे हो गए हैं, अब इनको हाथ से ना इनको तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पीस में कर लेंगे और ये इतने बढ़िया क्रंची बने हुए हैं कि इनसे इतनी अच्छी कर कर की आवाज़ आ रही है जब हम इसको तोड़ रहे हैं कि क्या बताया जाए। सो, ये है मेरा आज का नाश्ता जिसे लव कुश पहले से ही खा रहे हैं। खुरम क्रंची है, वेरी गुड। अबे ये क्या कर दिया, अरे ऐसे कौन खाता है? खाने को से हिंग की तरह तो दूंगा। बे ये क्या कर रहे हो, कुछ इसमें चींटी आएंगी बेटू, गंदी बात की। चलिए जाके पोछा लेके आइए, जाइए। चींटी का तो खाना है, खाने की ये किसका खाना है? चींटी का, ये चींटी का ही तो खाना है, खा लेगी तो मैं भी खा जाएगी चींटी। अभी साफ करना जो फैला दिया है। और खुरमे और सेब खा के लवकुश ने, हमने सब ने खा लिए हैं। लवकुश कह रहा था मम्मा अब हमको साइकिल चलानी है, तो हम लवकुश को नीचे लेके आ गए हैं। यहाँ पे लवकुश साइकिल चला रहे हैं और दोनों लोगों में रेस हो रही है कि कौन फर्स्ट आता है साइकिलिंग में। तो यहाँ लवकुश अपनी रेसिंग कर रहे हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और अब उनकी साइकिलिंग हो गई है और हम ये साइकिल नीचे से ऊपर थर्ड फ्लोर में लेके आ रहे हैं। बहुत हैवी है, एक साइकिल तो आ गई। और अब हम जा रहे हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल, कोविड की फर्स्ट डोज लगनी है हमारे, तो वही अब हम जा रहे हैं रिक्शे से, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, जिनके वैक्सीनेशन हो चुका है उनको आधे घंटे बैठने के लिए बोला गया है। अभी मेरा टर्न आने वाला है और यहाँ पे मेरा टर्न आ गया है और डॉक्टर सुई लगाने जा रही है। बाप रे, अरे मम्मी बोक दी उसने सुई मेरे, और सुई लग गई है। तो ये बोर्ड लगा था तो हमने सोचा लाओ अपनी भी फ़ोटो खींची ले इसमें। और अब हम जा रहे हैं घर, ये बाहर वेट कर रहे हैं गाड़ी से, ये आ गए हैं लवकुश को लेके, हम जा रहे हैं। और रास्ते में जा रहे थे ना तो हमको इतने अच्छे अच्छे पॉट दिख गए, गमले दिख गए, हमको गमले लेने भी थे, गमले का स्टैंड भी लेना था। तो इन भैया के पास ना गमलों का ना बहुत अच्छा कलेक्शन है, हर वैरायटी के यहाँ पे गमले हैं, हर बहुत अच्छी है। स्टैंड इतना अच्छा लगा और इनके यहाँ ना ये चीनी मिट्टी के गमलों का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो वही इन्होंने गाड़ी रोकी, फिर हम ये गमले देख रहे हैं जो मेरे मन के हैं तो हम ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे चीनी मिट्टी के गमले हैं, इतने सुंदर सुंदर हैं कि क्या बताएं। हमें इंडोर प्लांट्स के लिए ना चीनी मिट्टी के गमले चाहिए थे, तुलसी जी के लिए चाहिए थे, तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे मिल गई हैं। यहाँ बहुत ह्यूज कलेक्शन है चीनी मिट्टी के पॉट का, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हम सब लोग यहीं पर ये सब देख रहे हैं, गमले देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं, कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन है, बहुत सुंदर है। बेटा नहीं, वहाँ कोई सोता है नहीं।
और हमें तुलसी जी के लिए गमला चाहिए था, तो ये गमले गमले बहुत अच्छे लगे, तो हमने ये जो कलरफुल वाला है ना, ये वाला गमला ले लिया है। और यहाँ पे हमको सब्जी और फल मंडी भी दिख गई, तो हमने यहाँ से फल और सब्जी भी लगे हाथ ले लिए। और गणेश जी का यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है, तो यहीं सब्जी ले रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रक निकल रहे हैं जिसमें लोग ना गणेश जी को लेके जा रहे हैं। धूमधाम से डीजे बज रहा है, लाउड म्यूजिक है, लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे के रंग लगा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। हम अपने वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणपति बप्पा मौर्य।